हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं आप लोग को रोज डेली का डेली जीके का डोज यानी टॉप 10 जीके क्वेश्चन आप लोग को रोज कराऊंगा। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को रोज आना है और मॉर्निंग के 8 बजे आना और ये टॉप 10 जीके क्वेश्चन याद करना है। और फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों ऑप्शन का मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा और चारों ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग रोज आना है, मॉर्निंग के 8 बजे आना है और इस वीडियो को देखना है और जाना है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आ गया है। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? फ्रेंड्स मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, हिडेनबर्ग रेखा या ड्यूरंड रेखा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बात यहाँ मैकमोहन रेखा की गई है फ्रेंड्स। तो मैकमोहन रेखा का क्या काम है? तो मैकमोहन रेखा फ्रेंड्स आपका भारत और चीन को अलग करती है। भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। और हिडेनबर्ग रेखा किसको किसको अलग करती है फ्रेंड्स? तो हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है, यानी जर्मन और पोलैंड को कौन अलग करती है? हिडेनबर्ग रेखा। ड्यूरंड रेखा किसको अलग करती है फ्रेंड्स? तो ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सी पाटिल, मीरा कुमार या सरोजिनी नायडू? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और यह कौन से राज्य की बनी थी फ्रेंड्स? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, आप लोग याद रखेगा। और बात यहाँ मीरा कुमार की गई है फ्रेंड्स। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मीरा कुमार कोई पुरुष है, लेकिन ये मीरा कुमार कोई पुरुष नहीं है फ्रेंड्स। मीरा कुमार कौन है? भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो मीरा कुमार है। और प्रतिभा देवी सी पाटिल कौन है फ्रेंड्स? तो प्रतिभा देवी सी पाटिल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सी पाटिल। इंदिरा गांधी कौन थे? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन, आशा पूर्णा देवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। बात यहाँ सुष्मिता सेन की गई फ्रेंड्स। तो सुष्मिता सेन कौन थे? तो सुष्मिता सेन फ्रेंड्स आपका भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स, भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला थी। भारत की प्रथम महिला थी जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। और आशा पूर्णा देवी कौन है फ्रेंड्स? तो आशा पूर्णा देवी फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। और चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। बात यहाँ महावीर स्वामी की गई फ्रेंड्स। तो महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे। कौन थे? अंतिम तीर्थकार जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये फ्रेंड्स आपके 24वें नंबर के तीर्थकार थे। कौन थे? 24वें नंबर के तीर्थकार महावीर स्वामी थे, जिन्हें अंतिम तीर्थकार जैन धर्म में कहा जाता है। और पार्श्वनाथ कौन थे फ्रेंड्स? तो पार्श्वनाथ 23वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थकार थे। जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। आप लोग याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ? टोक्यो जो शहर है फ्रेंड्स, या किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ? टेम्स नदी, सिंधी नदी, अरकाव नदी या फिर मोस्काबा नदी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अरकाव नदी। बात यहाँ टेम्स नदी की गई है फ्रेंड्स। तो टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। और सिंधी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? तो सिंधी नदी के किनारे फ्रेंड्स आपका कराची शहर बसा हुआ है। कौन सा? कराची। और मोस्काबा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है फ्रेंड्स? तो मोस्काबा नदी के किनारे मास्को शहर बसा हुआ। कौन? मास्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स?
गौतम बुद्ध की विवाह कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुई थी, 17 वर्ष में, 18 वर्ष में, या गौतम बुद्ध की विवाह हुई ही नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की उम्र में कराई गई थी। और फ्रेंड्स बात कर ले कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरियक वंश का शासक कौन था? तो हरियक वंश का शासक कौन था फ्रेंड्स? बिंबिसार, शिशुनाग, गयासुद्दीन तुगलक या विजयपाल? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हरियक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और शिशुनाग वंश का शासक या संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? तो ये था मेरा नहीं, शिशुनाग कौन था? शिशुनाग। हाँ, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। ओके। और गयासुद्दीन तुगलक कौन सा वंश का संस्थापक था फ्रेंड्स? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। और विजयपाल कौन सा वंश का संस्थापक था? तो विजयपाल आपका चोल वंश का संस्थापक था। कौन वंश का संस्थापक था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था। आप लोग याद रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 28 फरवरी, 14 फरवरी, 12 फरवरी या 4 फरवरी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? वेलेंटाइन डे, आप लोग जानते होंगे। और 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? रोज डे यानी गुलाब दिवस। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को फ्रेंड्स वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को योर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी, के आर नारायणन, गुलजारी लाल नंदा या चौधरी चरण सिंह? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उदय भूमि के आर नारायणन की समाधि स्थल है। बात यहाँ इंदिरा गांधी की गई है फ्रेंड्स। तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या है? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। और गुलजारी लाल नंदा की, तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है। और चौधरी चरण सिंह की, तो किसान घाट, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? विशाखापट्टनम में, मुंबई में, कोची में या कोलकाता में? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम में जल सेना के पूर्वी कमांड के मुख्यालय है। और मुंबई में क्या है फ्रेंड्स? तो जल सेना के पश्चिमी कमांड के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जल सेना की दक्षिणी कमांड के मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जल सेना की दक्षिणी कमांड के मुख्यालय कोची में है। अरे यहाँ कोलकाता की बात की गई है फ्रेंड्स, तो कोलकाता में क्या है? तो आर्मी यानी थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो में मजा आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने को मिला है एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और आप लोग को रोज मॉर्निंग के 8 बजे आना है और इस वीडियो को रोज देखना है और रोज कुछ ना कुछ जरूर नया नया चीज सीखना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को वीडियो में मजा आया होगा, इसे एक लाइक कर दीजिए एंड अगर आप लोग इसे शेयर नहीं किए हैं तो इसे शेयर फटाफट शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग को 5 बजे आना है, 5 बजे वोकैबुलरी का सेशन होता है और 8 बजे आप लोग का जीके का सेशन होता है जिसमें डेली जीके डोज मिलता है। और 10 बजे फ्रेंड्स आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन कराता है जिसमें आपको 10 वन वर्ड आप लोग को कराएंगे। और 10 वन वर्ड आप लोग को रोज कराया जाता है, आप लोग नहीं देखते हैं तो आप लोग जाकर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।